नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचना लेकर पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में दोस्तों, अब तक की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पर यूपी टीजीटीपीएससी एग्जाम डेट पर बड़ी खबर आ रही है। यूपी टीजीटीपीएससी परीक्षा कब तक होगी, इस पर बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक बनेगा, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी क्या इस समय बड़ी अपडेट आ रही है, सब कुछ जो है हम बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भर्तियां तभी शुरू होंगी जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। 12 सदस्य और एक अध्यक्ष आ जाएंगे। तो इसके बारे में क्या बड़ी अपडेट है, खुद इस वीडियो में आप देखिए, खुद जान जाएंगे। शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। आज के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आज 57वें दिन सिविल लाइन के पत्थर गिरजाघर पर लगातार क्रमिक अनशन जारी है, धरना प्रदर्शन, और इस बात को लेकर के जारी है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ताल ठोक करके और भारतीय जनता पार्टी सरकार ताल ठोक करके बड़े बड़े मीडिया वाले जो है निकालते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है, तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों से आह्वान करना चाहता हूं कि संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले यहां पर लगातार धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर के जारी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन आचार संहिता से पहले तत्काल हो, इसमें अध्यक्ष और मेंबर आ जाए ताकि डीजीटी पीजीटी में सीटों में वृद्धि हो सके और अधिकतम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी पुरानी भर्तियां हैं उनको तत्काल बहाल होकर के तत्काल परीक्षा हो ताकि युवाओं को समय से रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। तो मैं डीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर ये सभी भाई बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि आप इस धरने में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराइए, नहीं तो जानते हैं कि एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन लगभग 6 वर्ष से नहीं आ रहा है। अगर इस तरीके से पूरे प्रदेश में स्थिति ऐसी रही तो कैसी होगी। तो मैं सभी भाई बहनों से अपील करना, नहीं तो अगर लोकसभा में की आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव हो जाएगा, तो समझिए कि दूर दूर तक भर्ती को भूल जाइएगा और यही सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। तो आप अपने घरों से 10x12 के रूम से निकलने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा।